हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ऐसा जैसे मैंने आपसे ये सवाल किया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछना था। यस और नो, ये लेके आए कार्ड। ओ तो ये सवाल तीनों के लिए है। कभी पेट खराब होने के बावजूद लाइव परफॉर्मेंस किया? अच्छा हुआ है सर, बहुत इतना अच्छा हुआ है, मतलब क्रिस्प टाइट एंड देन रन फॉर लूज। पकड़ पकड़ के। ना ना मेरे से नहीं होता सर। नहीं नहीं, आई हैव बचपन में कभी मम्मी के कहने पे घर आए रिश्तेदारों को नाच के एंटरटेन किया आपने? जैसे मम्मी ने बोल देती। मेरे घर में मैं नचनिया था। मेरे पिताजी बड़ी प्राउड बोलते थे, अच्छा नाच के दिखा, अभी गा के दिखा, थोड़ा एक्टिंग करके दिखा, सब एक्चुअली होता है। सोचो मुझे तो किसी को कहना भी नहीं था, मैं मतलब लोग अंदर आते ही मैं स्टार्ट करती थी। सोचो आप तो फिर भी अच्छे डांसर, मैंने किया हुआ है। हाँ कभी यलगार फिल्म आई थी, नहीं नहीं हो जाता है कि, तो मैं मेरे पापा के दोस्त आते थे तो फर्स्ट सेकंड को दो दिन हमारे घर में महफिल लगती थी, सैलरी मिलती थी। तो मैं नाचता था, पांच पांच दस रुपए, 40-45 रुपए इकट्ठे हो जाते। अच्छा, मैं 45 से ज्यादा दूंगी तो अभी करके दिखाना एक स्टेप वाला। अब नहीं, अब मैं वैसे 45 से ज्यादा कमा लेता। ओके, कभी 3-स्टोरी बर्गर खाया मुंह खोल के? आपने तो पक्का नहीं खाया होगा, इतना खुला ही नहीं होगा मुंह। आपने खाया गीता जी? इट वॉज एक्सपेक्टेड सर, इट इज शोइंग ऑल्सो नाउ। तब नहीं खाया होता तो ये असर ना होता। सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी शॉपकीपर के साथ कभी बार्गेनिंग की आपने? ऑल द टाइम। देखो सेलिब्रिटी के पहले मैं मम्मी हूँ, डोंट फॉरगेट। वो तो करना ही पड़ता है, मतलब मार्केट में जाते ही मेरा स्टार्ट होता है, नहीं नहीं भाई साहब थोड़ा 5 रुपए कम करो, 10 रुपए कम करो, अरे बहुत ज्यादा बोल रहे हो। नहीं नहीं, एक्चुअली जो भाजी वाले होते हैं या रिक्शा वाले, उनके साथ मैं नहीं करता, लेकिन अगर बहुत बड़ी महंगी शॉप हो वहाँ पे, बट उनके लिए मैं बोलता हूँ। क्या समझे कि आप भाजी भी खरीदने जाते हो, रिक्शा पे भी जाते हो? जाते हो अभी भी? ऑफ कोर्स। बार्गेनिंग करके जो 2 रुपए बचा के जो मजा आता है, बात ही कुछ और। एक बार हम लोग बैंकॉक शूटिंग कर रहे थे तो हमारे साथ एक और एक्टर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो इतनी बार्गेनिंग करते थे कि हम वो एक मार्केट है, मैं नाम भूल गया उसका, उसको देख के ही ना वो जो थाईलैंड वो आदमी था वो कहता है द सेम क्रेजी गाइस कमिंग, कहता है। तो मैं तो उसके साथ जाना ही बंद कर दिया मैंने। उसने कहा नो कांगे सॉरी ना सॉरी ना। यू सीम टू हैव गॉन टू बैंकॉक अ लॉट। अ लॉट क्लियरली। अच्छा कभी रेस्टोरेंट में आप खाने गए हो और बगल वाले टेबल पे उनकी प्लेट देख के आपने अपना ऑर्डर बदला है? ना ना, हाँ एक्चुअली मेरे सारे ऑर्डर्स मैं बगल वाले प्लेट में देखकर मैं करती हूँ। एक्चुअली कभी आइडिया लगता है क्या ऑर्डर करे तो मैं देख के बताती हूँ, हाँ वो अच्छा लग रहा है, वो बेटर लग रहा है। जो जब भी मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ ना कुछ प्रॉब्लम होता है उसमें, सो बेटर टू लुक ना, तो पता चलता है कि क्या ऑर्डर करना। पर लड़कियों को ना बड़ा पता होता है, सब डिशेस के नाम याद रहते हैं कि भैया वो एजरीला मोरोटोस विद द स्वीट सॉस और क्या क्या बोल देती है, हमें नहीं समझ रहा, वही तो हमें पता ही नहीं है तो बोले क्या। हम लोगों को होता है यार जो पीला वाला होता है ना, वो जो ऐसे प्याज डाल के, हमें नाम नहीं याद रहते, होता है ऐसा। इसी के साथ हमारे सवाल खत्म होते हैं, धन्यवाद। That's it? हो गया? How are you? I'm very good, Malaika ma'am. Hello, Jenny Cho. कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ. गीता ma'am. What's up? Very. कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. Thank you so much. Sweet you're looking. Guys, compliment मिला है, ताली बजाओ. मुझे पता है nice. इस शो पर आपको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं. Thank you so much. आई थी के थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे लगे. थैंक यू सो मच, हो गया आज का मेरा. वैसे आप लोग तीनों का एक नया शो आ रहा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू सो मच. शो शुरू हुआ नहीं, बधाई मांगने वाले पहले आ जाते हैं. आपने देखा लोग ऐसे मिलते ही मिल भी ऐसे रहती है. हेलो चलो बाहर जाके बैठो, जाते हो कुछ देके जाएंगे आपको. एक्सक्यूज मी, मैं बधाई मांगने नहीं, मैं कुछ काम की बात करने आई हूँ. उनके पास बहुत काम है, तुम्हें जो मिला वो ढंग से करो. एक सेकेंड, मैं ना बहुत अच्छा काम करती हूँ, तभी तो सोनी साहब मुझे हर एपिसोड में देखना चाहते हैं. वो तो सोनी साहब को हम हर एपिसोड दिखाते ही नहीं, उनको पता चल जाए ना तुम हर एपिसोड में होती हो, वो ये शो ही सेट मैक्स पे शिफ्ट कर दे. आपको पता है उस दिन सूर्यवंशम आ रही थी तो जो ठाकुर साहब थे बिना खीर खाए उन्होंने उल्टी की.
इनका सीन देख के सो बैड हो गया. क्यों बाकी है? एक और बाकी, अभी वैलेंटाइन डे था जी, तो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई. अच्छा, तो फूल देने लगा, इतनी पास आई, ऐसा डकार मारा, बेहोश हो गया वो. कब तक ऐसी बातें करती रहेगी? अपना इलाज क्यों नहीं करवाती? अरे जब मर्ज का पता चल जाएगा तब इलाज भी करवा लूंगी. एंड डोंट वरी, मतलब मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी जरूर. माय गॉड, ऐसे मलाइका मैम, तेरा रिश्तेदार. तुम्हारे दोस्त मेरे रिश्तेदार, सेम सेम कप्पू. आज क्या लौकी लग रही तू? लौकी कप्पू शर्मा. वैसे शत्रु जी का ना एक बहुत फेमस डायलॉग है जो मैं तुम्हारे लिए अर्ज करना चाहूँ. कौन सा? इरशाद इरशाद खामोश. आवाज और वेरी गुड. वाह, तो मैं कह रही थी मलाइका मैम कि मैं ना चाहती हूँ कि मैं आप तीनों जजेस के साथ डांस और जज करूँ. उनके जज फाइनल हो चुके हैं, कुछ चेंज नहीं हो सकता. यू कैन गो नाउ. क्यों? चलते शो में जज चेंज करना सिर्फ इसी शो में हो सकता है. आपको बोल रही है? अरे हमने भी कुछ सीखा है अर्चना मैम से. थैंक यू. और टेरेंस, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा जजमेंट ना बहुत अच्छा है. हाँ, ये आदमी के होठों को देख के बताती है कौन सी बीड़ी पीता है. तुम्हारी देख के बताओ तुम कौन सी पी के आ रहे हो. अच्छा, होठों पे बात करनी है. आज फिर ये एपिसोड 3 घंटे का होगा. कपूर रहने दो, वैसे भी मेरे होंठों के चर्चे दूर दूर तक है. दूर दूर तक नहीं, जहां तक होंठ है वहीं तक है. यू मीन दूर दूर तक ही है. देखो, उनको कोई जरूरत नहीं है जज की, दबा जाओ. अच्छा, तो अगर जज नहीं तो शो की होस्ट तो बनी सकती हूँ. अरे बाप रे. चलो डेमो हो जाए फिर, एक कैसे करोगी? दिखाइए दिखाइए. डन, ठीक है, होस्ट बनेगी जरूर. इस महफिल में मौजूद ख्वातीनो हजरात. ख्वातीनो हजरात, तेरी फूफी का मुशायरा नहीं हो रहा इधर. भाई ख्वातीनो हजरात क्या होता है? वो देख, लोग जा रहे हैं तेरे होस्टिंग देख के. इसको होस्टिंग कहते हैं? सेलिब्रिटीज के साथ फ्लर्ट करने को भी होस्टिंग नहीं कहते हैं. तो अब मैं असली वाला ऑडिशन आपको दिखाती हूँ. दिखाइए प्लीज. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है इंडिया बेस्ट डांस शो में. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त भूरी. हमारे अगले कंटेस्टेंट है मिस्टर चमनलाल बिहार से. होस्ट का दोस्त. वाह वाह वाह, शो शुरू हुआ. अपने मामा को पहले सेलेक्ट कर लिया. चमनलाल जी बिहार से. तुम अपने दोस्तों को शो में रख सकते हो, मैं रिश्तेदारों का नाम नहीं ले सकता. कैसा था मेरा परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा था, आपने बहुत साफ बोला है एंड आई थिंक आपको एक मौका लेना चाहिए. साफ तो तोता भी बोल लेता, उसको रख ले होस्ट. तो इतनी टैलेंटेड, तू सर्कस में जोकर क्यों नहीं बनती? अब सर्कस जितना करना था हमें, हम कर चुके कप्पू. ये लड़की बोलने लगी है, अच्छा लग रहा है. अब तो हमारा रिंग मास्टर भी यही सामने बैठा है. अच्छा, आज रिंग मास्टर बोल रही है आपको. हाँ. वो दिन भूल गए जो दो दो नंबर के लिए उनके ड्राइवर को हक करती थी. ये आपको पता, मैं एक बात बता दूं, ब्यूटी पार्लर वाली बात. जब ये ब्यूटी पार्लर जाती ना, तो ब्यूटी पार्लर वाले बोलते पहले 2-3 पार्लर जाके इधर आया करो. ऐसे डायरेक्ट बोलते हमारे नहीं आना. हो गया. उस दिन इसकी दीदी की शादी थी, जीजू से कहती 1100 रुपए दो मेरे को जूता चुराई के. वो कहता 10,000 ले, आगे से ये फेस लेके मेरे सामने नहीं आना. ये कुछ भी बोल रहे गीता माँ, मतलब भगवान का दिया सब कुछ है. भगवान का दिया ही है बस इसके पास. वो भी दिवाली पे चुराया था इसने. बरसातें होती ना, दिए में बैठ के कॉलेज जाती है. मलाइका मैम, आप प्लीज इसकी बातों को इग्नोर कीजिए. मैं सच बोल रही हूँ. मैं ना, अच्छा कुछ नहीं तो मैं, क्योंकि डांस अच्छा कर लेती हूँ, तो मैं एज अ कंटेस्टेंट भी आने के लिए तैयार हूँ. लो जी, जज से शुरू हुई थी, कंटेस्टेंट पे आ गई. थोड़ी देर बाद बोलेगी मैं जनरेटर में तेल भी डाल सकती हूँ, मैं सेट पे कपड़ा मार सकती हूँ. तो क्यों करती है ऐसे काम? एंटरटेनमेंट, नयापन और टेक्निक भी करना चाहिए. आप 90 दिन दे दो अगर ये कर गई. लेकिन मैं बता दूं, इससे जनरली टैलेंटेड. बरेली में इसका स्कूल है, शराबियों को नागिन डांस सिखाती है. हाँ, नागिन डांस, नेवले का डांस, सब डांस सिखाती हूँ.
भड़क गई, मैं नहीं बात कर रही। ये नागिन का डांस दिखाइए। ले 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 ले। नागिन अभी आएगा, लाइव परफॉर्मेंस होगा। ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट ड्रेस? ड्रेस? वाओ! ओह माय गॉड! एक सेकंड। I'm in shock. मस्त लग रही है। हेलो भाई जी। नागिन बोला था सामने, आजकल आ गया। Oh my darling. भारती मैं बड़ी खुश हूँ। Excuse me. हाँ। बहन आप कौन? मैं वही हूँ जो दो मिनट पहले आप बनने की कोशिश कर रही थी। India's best dancer की host. बहन आप तो नाराज होगी, कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना, आप शो की होस्ट हैं, मैं होस्ट बनने वाली, तो होस्ट होस्ट दोस्त होते हैं। हाँ, इसका यही है, पहले दोस्ती करती फिर उधार लेती है फिर शहर छोड़ जाती है। तुम्हें बोला बीच में बात करने के लिए, तुम चुप रहो। देखिए भाती जी, देखिए आप होस्ट हैं तो मैं आपको एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहती हूँ। देखिए आप ना बिल्कुल भी नर्वस मत होना, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। हेलो, बीनी मेरा ए टू जेड सब कॉन्फिडेंट में है। oh, और हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस सिखा रही है। मैंने इतने शो होस्ट किए, उतने बने भी नहीं है। अच्छा ये सब बातें बंद करो भारती, आप बाहर जाओ, इसका मुंह तोड़ दो। Excuse me? Oh, yeah. मुझे क्यों नहीं बोला इसका मुंह तोड़ने के लिए? मुझे पता है तुम तोड़ नहीं सकती। भारती किसने सिखाया ये कैटवॉक? बताइए सबको। एक लड़की है जिसने मुझसे फिगर बनाना सीखा है, मलाइका अरोड़ा। क्या बात है। नहीं नहीं जजेस, आई थिंक ये ना कप्पू ना मुझे आप लोगों से बात करनी नहीं देगा, तो मैं आपको आपके सेट पे मिलूंगी नेक्स्ट। देखा हटी नहीं, मोस्ट वेलकम, आप आइए, है ना, लंच भी करेंगे साथ में। डन डन, अब तो आएगी पक्का। लंच के नाम पे तो हरिद्वार चली आई। सो ऑल द बेस्ट फॉर द शो, बाय बाय, थैंक यू, बाय कप्पू। स्वागत हमारी प्यारी भारती का। ये चली गई भाई, अब मैं बैठी हूँ आराम से, जितने मर्जी सवाल मुझसे। एक मिनट, मेरा ना होता नहीं भाई, ऐसे निकलता ऐसा हो जाता है। तुम अकेली नहीं हो बहन, आपका भी नहीं होता। करो कोशिश तो करो, इतनी हिम्मत नहीं है। देखो बस खत्म भारती, मैं सीख रही हूँ, मैं तो सीख रही हूँ बहन तुमसे। हाँ सीख रहे हैं। हाँ जी भाई, पूछ लीजिए जितने सवाल। बड़े हॉट लग रहे हैं आज। हाँ, थैंक यू, यू टू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तालियां मार दो इसमें। भारती पहले तो ये बात बताओ, ये शो आप अकेली होस्ट कर रही हैं? नहीं नहीं भाई, मेरे पति भी होस्ट कर रहे हैं, हर्ष। जैसे पेमेंट के साथ GST आती है, सब्जी के साथ धनिया आता है, वैसे भारती के साथ हर्ष भी आता है। अच्छा भारती है पंजाबी, शादी की इसने गुजराती से, कॉम्बिनेशन देखो कितना खतरनाक है। भारती सच सच बताना कितना मजा आ रहा है आपको ऐसे कॉम्बिनेशन में? अच्छा वाला शो चल रहा है भाई, क्यों मूड खराब कर रहे हो? बेटा इस शो के बाद घर भी जाना तुझे, तेरी सास पकड़ेगी तुझे। मैंने खुद उनको बाहर रखा हुआ, चाबी मेरे पास है। सो वाकई मैं गुजराती फैमिली को गई हूँ, कहते लोग बड़े कंजूस होते हैं, और ये सच बात है। जैसे मैं गोवा से वापस आई और वो मटका वटका रखा था कि बहू चावल गिरा के अंदर जाती है, तो मेरी सास ने कान में बोला धीरे से गिराना, रात को इसी की दाल खिचड़ी बनानी है। भारती हर डरता है क्या? अगर उसकी सेहत अच्छी होती तो आपको नहीं लगता वो डरता? नहीं होता। ऐसे कहती हूँ पैंट गीली हो जाती है मैम, पंजाबी है ना। दुबला हुआ लग रहा है ना बेचारा। आप कितना ध्यान देती हो मैम? काफी। वो भी आपके जिम कॉस्ट्यूम में सारे ध्यान देता है। मैंने कितनी बार देखा सोशल मीडिया पे इनके जिम वियर में फोटो डालते ना, बोतल पकड़ी होती है। हाँ। तो हर्ष वहीं पे स्टॉप कर देता है, मलाइका मैम देख तो आप गाड़ी पे ऐसे चढ़ रही हो, तो यहाँ से जूम करता आप ऐसे हो जाते। ऐसे कर कर गीता माँ को बिल्कुल जूम नहीं करता, क्योंकि हम दोनों पहले ही जूम होते हैं। भाई साहब आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ऑल गुड ऑल फाइन। नहीं नहीं, क्योंकि ये भी जूम करके देखते हैं। देख
भारती एक बात बताओ, इस शो में मलाइका भी जज हैं, तो इनकी फिटनेस को देख के कॉम्प्लेक्स नहीं होता आपको? आया था भाई कॉम्प्लेक्स, फिर मैंने साथ वाली कुर्सी पे गीता जी को देखा, कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। गीता माँ जब कमेंट देती है, इनको खांसी आती ना, साथ वाले करते। एक बार तो तबीयत खराब थी, इतने जोर से खांसी कि मलाइका मैम तरफों वाले दादा के पास। मलाइका मैम जब फोटो शूट करती है ना हर शूट के पहले, और ये लंबे लंबे ऐसे स्लिट्स पहनती है, तो मैं वही खांसने के लिए जाती हूँ, तो खुल जाता है उड़ते ऐसे ऐसे फेंकता है ऐसे। पता नहीं मैम आप कितना, मतलब आपकी टांग ऐसी चिकनी है, मतलब शाइन वाली, हमारे खुरक खुरक के दाग पड़े होते हैं। ये चीजें सीखनी है मुझे आपसे, पतले होके मुझे आपके जैसे कॉस्ट्यूम पहनने हैं। जी मेरे सारे जो कॉस्ट्यूम्स है मैं आपके लिए रख रही हूँ। उसकी तो बाजू बनेगी ना, बाकी का भी करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया ना कि हमारा इंडियाज बेस्ट डांसर कैसे होने वाला, बड़ा मजेदार होने वाला है। अच्छा भारती एक बात बताओ, आपने और हर्ष ने एक डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है, तो डांस ज्यादा मुश्किल है या होस्ट करना? भाई दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये चीज बड़ी आसान है, क्या इससे बैठ के पूछना भारती तुमने जो शो किया था। वो बहुत आसान है बैठ के पूछना, और उससे भी ज्यादा आसान है। लेकिन तो ये है असली भारती करेक्टर में, तो ये लिमिट में रहती ना, अब ये आएगी अपने रूप में। आपको भगवान बचाए। मैं ये बात पूछ रहा था कि दो महिलाओं के साथ बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं, दो और आ गई अब। तो भारती एक बात बताओ, यहाँ अच्छा खासा चल रहा था, इंडियाज बेस्ट डांसर करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जैसे इंडियन आइडल बड़े बड़े ढीठ है ना सर, 10 बजे तक जाते ही नहीं है। हाँ। ये मैंने टाइम पे खत्म करना है। चाहे कितना भी बड़ा जजेस का सीरियस वाला कमेंट चल रहा हो कि आप अपनी लाइफ से आगे निकल कर आए हो, इंडियाज बेस्ट डांसर, मैंने मुंह के पास कहना चलिए मिलते हैं कल रात को 8 बजे। थैंक यू, गुड नाइट। मैंने 9:29 पे शो खत्म करवा देना है सुपर, बस, और उसके बाद देखेंगे कपिल शर्मा शो। और साथ साथ में, सही बात है, साथ साथ में मैंने अपने शो की प्रमोशन भी करते रहना भाई, कि कपिल शर्मा शो में इतना मजा आता है जब कम्मो बुआ वहां से निकल के आती है और भाई को कहती है कम्मो बुआ आ गई। खैर मैं अभी जाती हूँ क्योंकि मेरे लाइव इवेंट है, मुझे जाना है क्योंकि इनके पास एक ही शो है, मेरा इवेंट है आज। और लेकिन आप सबको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, एवरी सैटरडे संडे कपिल शर्मा शो देखना मत भूलिएगा। गीता मैम ये बात सही है कि आप पहले एयर होस्टेस बनना चाहती थी? रियली बताइए सबको। I wanted to be an air hostess. अभी भी है वो कि काश मैं बन गई होती तो। अब तो आप इतनी पॉपुलर कोरियोग्राफर हैं, मान लो अगर आज आपको ऐसे एयर होस्टेस की तरह वो अनाउंसमेंट करना हो, तो मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, आप परफॉर्म करना है, परफेक्ट। कसम से आप एयर होस्टेस जो है पायलट गद्दी छोड़ के आपको देखने आ जाए। क्या इतनी मजेदार आप अनाउंसमेंट कर रही हैं? आप ये सब बोला मत कीजिए। क्यों? आप आज तक ये सोफा मतलब वहां से उठ के आए हैं मेरे पास? It's so sad. Don't talk like that. I feel very bad. गीता चलो दिखाइए। अब कोई फायदा नहीं है। पर आप देखना चाहते हैं? Yes. हाँ okay. दिखाइए। क्या करना है सर? क्या करना है? कुछ नहीं, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस विमान में दो द्वार आगे की तरफ है, दो पीछे की तरफ है, बीच में इमरजेंसी द्वार है, वहां से कूदे तो सीधा हरिद्वार है। विमान में हवा का दबाव कम होने पर खुद की हवा ना छोड़ें। Ha ha ha.
ऑक्सीजन मास्क खुद ही नीचे आ जाएंगे। यहाँ आप स्वार्थी बने, पहले खुद के मुंह पे मास्क लगाएं, फिर दूसरे की सहायता करें, वो भी तब जब आप उनका मुंह पसंद आए तो। जोरदार तालियां गीता जी के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।